हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर नई अपडेट जारी हुई है कि झारखंड में जो है फाइनली जेटेट का आयोजन होने जा रहा है। चलिए, इसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट होते हैं तो सभी डाउट को करती हूँ क्लियर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड में जेटेट कंडक्ट कराने की चल रही है योजना। बताया जाता है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई, यानी कोर्ट का आदेश आया कि कब होगी शिक्षा पात्रता परीक्षा। कोर्ट का आदेश दिया गया है और बताया जाता है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार की स्पेसिफिक जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार टेट का आयोजन कब करेगी, यानी टेट लेने की समय सीमा बताते हुए 4 सप्ताह के अंदर स्पेसिफिक जवाब दायर की जाए। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को टेट पास होना जरूरी है। पिछले 7 वर्षों से झारखण्ड में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2016 से अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष टेट का आयोजन होना चाहिए, इसके बावजूद भी प्रत्येक वर्ष टेट आयोजित नहीं की जाती है। अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने एनसीटीई के और राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत टेट आयोजन करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रिया कुमारी यादव व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग की है, यानी कि जो याचिका दायर हुई है उसमें जो है जेटेट कंडक्ट कराने की बात चल रही है, जो कि कोर्ट का नोटिस भी पॉजिटिव वे में ही आ रहा है, तो जल्द से जल्द इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने को है। तो यहाँ पे देखिए, बताया जाता है कि जितने जल्दी हो सके झारखंड में जेटेट का आयोजन किया जाए, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको जेटेट पास होना चाहिए और इसके लिए हर साल टेट कंडक्ट कराए राज्य सरकार। ऐसा जो है अभी चल रहा है और कार्रवाई अभी हो रही है। 4 सप्ताह के बाद फिर से इसका अपडेट आएगा। जैसा कि जेटेट का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को स्पेसिफिक जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। जैसे इसकी अगली सुनवाई की अपडेट आती है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी इस चैनल के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन फॉलो सब। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर मुझे फॉलो करना है, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में साथ मिलते हैं।